दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं कि पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है। जैसे कि आप आधार कार्ड को डाउनलोड बहुत ही ईजी तरीके से कर लेते हैं, उसी प्रकार से आप पैन कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों जैसे कि फिजिकल रूप से पैन कार्ड हमारे पास एनी टाइम अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन एक चीज़ अवेलेबल ज़रूर रहता है, वो है मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन। उस फ़ोन से आप जो है पैन कार्ड बहुत ही ईजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, और वो डिजिटल कॉपी जो आपको मिलेगा ना, आप कहीं पे भी उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं किस तरह से फ़ोन से पैन कार्ड को डाउनलोड किया जाता है। इसीलिए फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। पैन कार्ड को डाउनलोड करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, और हाँ, जैसे ही आप पहुँच जाएंगे इस पोर्टल पर, तो आपको इस पेज को थोड़ा सा ऊपर करना है और आपको जो है क्विक लिंक्स पे आना है। जैसे ही आप आएंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन दिखेगा इंस्टेंट ई पेन का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने में एक नया पेज खुलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चेक स्टेटस डाउनलोड पेन, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है नीचे में जो एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड पेन करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपसे आधार नंबर मांगा जाएगा, तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर 12 डिजिट का इंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे अपना 12 डिजिट का आधार नंबर इंटर कर देते हैं और कंटिन्यू बटन पे हम क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो जो आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पे OTP आएगा, वही OTP यहाँ पे आपको देना है। तो चलिए हम यहाँ पे फटाफट OTP इंटर कर देते हैं। OTP इंटर करने के बाद आपको जिस पेज का इंतज़ार था वो पेज ओपन आपके सामने में हो जाएगा, जहाँ से इजीली आप पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप पैन कार्ड को व्यू भी कर सकते हैं, क्लिक करके आप देख भी सकते हैं PDF पे क्लिक करके, और इजीली आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं आपको डिजिटल कॉपी यहाँ पे मिल चुका है, और ये डिजिटल कॉपी कहीं से भी आप प्रिंट करके आप इसे इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो चलिए आप देख चुके हैं, अब हम आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड ई पेन वाले ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने में PDF ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप PDF पे ओपन करेंगे, ये आपके सामने में डिजिटल कॉपी आ जाएगा। तो इसे आप प्रिंट करके कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ोन में भी सेव करके रख सकते हैं। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन, अगर आप आधार कार्ड के द्वारा पैन कार्ड बनाए हैं तो इनकम टैक्स के पोर्टल पे बनाए हैं तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप NSDL से बनाए हैं तो NSDL के पोर्टल पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप UTI के पोर्टल पे पैन कार्ड बनाए हैं तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम किस पोर्टल से मेरा पैन कार्ड बना है? तो आपके पैन कार्ड का जो बैक साइड होता है उसको देखिए, अगर उसमें NSDL लिखा है तो NSDL से बना है, अगर UTI लिखा है तो UTI से आपका पैन कार्ड बना है। अगर पैन कार्ड के पीछे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लिखा है तो आपका जो है इनकम टैक्स के वेबसाइट पे बना हुआ है। तो इस तरह से आप जो है पैन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। तो जिस पोर्टल से बनाया गया है पैन कार्ड, उसी पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि NSDL UTI पोर्टल से पैन कार्ड को कैसे डाउनलोड किया जाता है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपको एक फ्री में और 5 मिनट के अंदर में पैन कार्ड बनाना है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर आपके घर में किसी का फिजिकल पैन कार्ड मंगाना हो तो उस वीडियो का भी लिंक आपको दे देंगे, ताकि आप देख के भी मंगा सकते हैं। वैसे ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा छोटा सा प्रयास, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हाँ, वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।